राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देवभूमि हिमाचल को वर्ष 2022 तक जहरीली खेती से पूरी तरह से मुक्त बनाने और किसानों की आय को दुगना करने के लिए शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रणाली ही श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि रसायन तथा जैविक कृषि का बेहतर विकल्प तो है ही, साथ में ये प्रणाली सुरक्षित भी है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सहायक व पर्यावरण मित्र है। आचार्य देवव्रत धर्मशाला में राष्ट्रीय कैडेट कोर कंपनी 5 हिमाचल प्रदेश धर्मशाला एवं कृषि विभाग द्वारा शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। शिविर में कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के एनसीसी की तीनों शाखाओं के कैडेट्स ने भाग लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि नई अन्य मायनों में भी सुरक्षित है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती के मॉडल का वास्तविक मायनों में क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को बधाई दी। वो कहा कि सरकार ने इस परियोजना के तहत प्रदेश के किसानों के हित के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक तथा जैविक खेती का पुराना चलन वर्तमान परिवेश में उचित नहीं है। जहां तक रसायन खेती का सवाल है, जहरीली तथा हानिकारक होने के साथ साथ इसके उत्पाद महंगे भी हैं। इससे किसान की लागत भी बढ़ती है जिससे उसे मुनाफा नहीं मिलता बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जैविक खेती की लागत अधिक है तथा इससे मिट्टी में मौजूद आवश्यक तत्वों का अत्यधिक प्रयोग होता है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे में शून्य लागत प्राकृतिक खेती ही कृषि का श्रेष्ठ विकल्प है। इससे रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन लागत शून्य हो जाती है और पदार्थ जहर मुक्त होते हैं। इससे जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, पानी की खपत कम होती है, मित्र कीटों का बचाव होता है तथा गुणात्मक युक्त पदार्थों की पैदावार होती है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों से भारतीय नस्ल की गायों को पालने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से नशा मुक्त हिमाचल बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति यदि ठान ले तो नशे के इस पाप को देवभूमि से पनपने से रोकना संभव है। उन्होंने कहा कि नशा मनुष्य की विचार शक्ति, सृजनात्मकता, कौशल और आशाओं एवं आकांक्षाओं का दुश्मन होता है तथा नशे के खिलाफ लड़ाई को सामूहिक प्रयासों से जीतना संभव है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार एवं प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों में सभी लोग अपना सहयोग दें ताकि नशे की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके और युवा पीढ़ी के भविष्य और जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने साथियों को भी इस बुराई से बचाने एवं समाज में जागृति लाने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के व्यापारियों की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी ताकि उन पर कार्रवाई कर सबक सिखाया जा सके। पिछले कुछ दिनों से हमने एक अभियान चला पूरे प्रदेश में और सौभाग्य की बात यह है कि प्रदेश सरकार इस बारे में बड़ी गंभीर है कि प्रदेश से नशा मुक्त हो और हमारी युवा पीढ़ी एक स्वच्छतापूर्ण जीवन जिए और इसका एक अभियान पूरे प्रदेश भर में सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है। हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। दूसरा, जीरो बजट प्राकृतिक खेती जिसके सीधे 5-6 लाभ हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जल की खपत घटेगी, पर्यावरण बचेगा, गाय का संवर्धन होगा, किसान की आय दुगुनी होगी और रासायनिक खेती के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं कि उर्वरा शक्ति घट रही, किसान की लागत बढ़ रही है, लोग जो उत्पाद खा करके बीमार पड़ रहे तो हॉस्पिटल भरे पड़े। तो प्रदेश सरकार का एक अभियान है कि 2022 तक प्रयास हम करें कि हिमाचल प्रदेश को जीरो बजट शून्य लागत प्रदेश घोषित किया जाए। सर, आज एनसीसी कैडेट आई थी यहां तो उनको आपने संदेश दिया है
तो सर आपको लगता है कि ये जी क्यों नहीं, युवा पीढ़ी तो उनमें तो एनर्जी इतनी काम करने की अपार शक्ति है और एनसीसी के नौजवान तो अनुशासित हैं, निश्चित रूप से किसानों के बच्चे हैं उनमें जहां राष्ट्रीय भाव जागृत किए जाते हैं तो वो नशे और जैविक अपना जीरो बजट खेती के प्रति निश्चित रूप से सहयोगी बनेंगे। सर खेती से दूर हो चुका है, इस दिशा में भी प्रदेश सरकार ने प्रयास किए हैं। जो आपकी जीरो बजट खेती है सर, उसको पहुंचाने के लिए क्या पॉलिसी या क्या रणनीति बनाई? पॉलिसी हमने प्रशिक्षण शिविर चलेंगे और उनमें ट्रेनर हजारों की संख्या में तैयार होंगे, हर पंचायत लेवल पर एक ट्रेनिंग देने वाला अधिकारी वहां पर रहेगा ताकि हर पंचायत में पंचायत लेवल पर एक जो मैंने कहा जानवरों और जंगली जानवरों